नमस्कार दोस्तों, कक्षा 4 विषय हिंदी में आज हम इकाई 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नई निगाह। दोस्तों, अगाऊ हमने वर्णमाला देख ली, सीख ली। अब आज हम इकाई 1 नई राह पढ़ेंगे, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हमें पढ़ना है, समझना है और उसका कुछ मातृभाषा में अनुवाद भी करना है। तो हर एक बच्चा अपनी किताब निकाले और पेज नंबर 1 खोले, जिसमें अभ्यास 1 उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं जिसको हम देखेंगे, पहचानेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे। देखो, पतंग, तोता, मोर, घोड़ा, हाथी, गौर, रथ, मोटर, पेड़, पपीता, टमाटर, डमरू, ठठेरा, छाता, सीढ़ी, सपेरा, थन, यज्ञ, धनुष, क्षत्रिय और ऋषि। इस शब्दों का हम गुजराती में अनुवाद करेंगे। पतंग यानी कि पतंग, तोता, तोता को गुजराती में क्या कहते हैं? तोता। मोर, घोड़ा को घोड़ा ही कहते हैं। हाथी, हाथी। गौ, गुजराती में भी गौ कहते हैं। रथ, तो रथ। मोटर, तो इसे हम मोटर ही बोलते हैं। पेड़, पेड़ यानी वृक्ष यानी जाम। पपीता, जिसे हम गुजराती में कहते हैं। टमाटर, जिसे हम गुजराती में टमाटर कहते हैं। डमरू, उसे हम डमरू ही कहते हैं। ठठेरा, ठठेरा को हम गुजराती में क्या कहते हैं? पंसारो। यज्ञ, उसे हम यज्ञ कहते हैं। धनुष, इसे धनुष ही बोलते हैं। क्षत्रिय को हम क्षत्रिय कहते हैं और उसी को हम ऋषि ही कहते हैं। तो बाल दोस्तों, आपको यह शब्द अपने कॉपी में लिखना है। अब हम अभ्यास 2 की ओर जाएंगे। अभ्यास 2 में क्या है? कुछ वर्णमाला के अक्षर दिए गए हैं, जिसे देखकर इसके नीचे दी गई जगह में हमें वो लिखने का है। लिखो, ग,
मौ नो रो शो सो ग्नो क्षो वो पो शो टो ठो डो ढो तो थो धो घो यो हो छो त्रो रु इसी तरह पेज नंबर दो पर अभ्यास तीन गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए, बोल कर पढ़िए और लिखिए। इसे आपको पढ़ना है और यहाँ खाली जगह में लिखने का है। ग म न इसी तरह आपको यह अभ्यास तीन गृह कार्य में पूर्ण करना है। अभ्यास चार, पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। आपको यह चित्र को देखना है, पहचानना है और बोलना है। तो देखो पहला चित्र कौन सा है, तितली, मछली, बकरी, कमल, तराजू, गमला, नल, चूहा, बैल, उल्लू, भालू, खरगोश, बंदर, कौवा, केला, सेब, अनार, फूलगोभी, भिंडी, लौकी, इमली, ओखली, ऊन, गाजर, त्रिशूल, चांद, मूली और चम्मच। जहाज, आम, नाक, हॉल, रेल, गुलाब और दर्जी, ये सभी शब्द आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। आपको इन शब्दों का गुजराती अर्थ लिखना है। तितली, तितली यानी पतंगियों। मछली, मछली यानी मछली। बकरी, बकरी। कमल, कमल। तराजू यानी तराजू। गमला, गमला यानी कुंडू। नल यानी नल। चूहा, बैल।
बंदर, उसे गुजराती क्या कहते हैं, वानरो। कौवा, कागरो। केला तो केलू। सेब यानी के सफरजन। अनार, इसे हम दाडम कहते हैं, क्या कहते हैं, दाडम। फूल गोभी, फ्लावर, फ्लावर। भिंडी तो भिंडा। लौकी यानी दूधी। इमली जो खट्टी आती है उसे हम कहते हैं आमली। गाजर, इसे हम गाजर ही कहते हैं। त्रिशूल, इसे हम त्रिशूल। चांद जो आकाश में होता है उसे हम क्या कहते हैं, चंद्र। मूली यानी के मूलो। चम्मच, चमची। जहाज, इसे हम जहाज भी कहते हैं और वाहन भी कहते हैं। आम, कैरी। नाक, उसे हम नाक कहते हैं। हॉल, हॉल को क्या कहते हैं हमें, हॉल। रेल, उसे हम रेल कहते हैं। गुलाब, इसे हम गुलाबी कहेंगे। और दर्जी, इसे हम दर्जी कहते हैं। तो बच्चों, आपको अपने कॉपी में ये सब लिखना है। अब अभ्यास पांच, अभ्यास पांच है, देखकर सही रूप में लिखिए। आपको देखना है और नीचे दी गई जगह में आपको देखकर लिखना है। इसी तरह अभ्यास छह भी आपको किताब में ही लिखने का है। आगे देखते हैं योग्यता विस्तार बुझो। बिना पंख की उड़ जाती, जिसे पंख नहीं फिर भी वह उड़ती है। बांध गले में दो, गले में डोर यानी डोरी, डोर बांध के वह उड़ जाती है। खींचो तो ऊपर चढ़ जाती है, इसे हम खींचते हैं तो वह ऊपर चढ़ती है। रहे हाथ में छोड़, तो हम उसे, इसका जो डोर होता है वो हमारे हाथ में होता है पर वह आकाश में ऊंचे उड़ती है, तो वह क्या है, पतंग। क्या है, पतंग। जिसे पंख नहीं है फिर भी वह पंखी की तरह आकाश में उड़ती है। तो बाल दोस्तों, आपको गुरु कार्य में किताब में जो दिया गया है वह लिखने का है और यह अपने कॉपी में लिखने का है। अस्तु।